यार आकाश, आज तक तूने पेंटेप पे कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया। हाँ, बट मैं कभी कभी अपने यूजर्स को अपने वीडियो में सजेस्ट करता रहता हूँ। एक बार अपने कमेंट सेक्शन में जाके देख, तुझे पता चल जाएगा वीडियो बनाना क्यों जरूरी है। हाँ, गुड आइडिया, लेट्स सी। प्लीज सजेस्ट बेस्ट पेंटेप फॉर टीचर्स। सर, बेस्ट कंपनी फॉर पेंटेप। पेंटेप को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें? रियली डूड, पेंटेप को लेके बहुत कंफ्यूजन है। फिर तूने क्या सोचा है? सोचना क्या है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। बता तो कमेंट से तुझे क्या समझ में आया है और हम किस बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन कमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले हैं। दोस्त, मैं जब ना पेंटेप के बारे में कमेंट पढ़ रहा था ना, तो मेरे सामने ना एक और प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या पता है? वो प्रॉब्लम ये थी कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से ऐसे पढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से, जहां पर पावर पॉइंट है और आप छोटे से वेबकैम में नीचे या फिर बड़े वेबकैम के थ्रू दिखना चाहते हो। देखिए, अगर आप ऐसा वीडियो बनाना चाहते हो और सोच रहे हो कि सिर्फ मोबाइल से पॉसिबल है, तो नहीं, इसके लिए आपको पेंटेप की जरूरत पड़ेगी। और पेंटेप की जरूरत पड़ेगी, इसी के साथ साथ कुछ और इक्विपमेंट छोटे से जरूरत पड़ेगी और उसकी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। आगे हम इसमें डिटेल पे बात करेंगे। और अगर आपके डाउट ये है कि बेस्ट पेंटेप कंपनी कौन सी है, कौन सा पेंटेप कॉस्ट फ्रेंडली है, कौन सा पेंटेप ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, कौन सा पेंटेप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कनेक्ट हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों का आंसर मैं आपको आगे देने वाला हूँ। कूल ब्रो, तो अब क्या करें? रिसर्च है, रिसर्च। डियर, कहाँ खो गए? रिसर्च से मेरा मतलब है सिंपली गूगल पे सर्च करके देखते कौन सी कंपनी अच्छी है पेंटेप के लिए। नो डाउट तेरे पास भी वेकॉम के सारे टेबलेट है और गूगल भी यही बता रहा है कि वेकॉम बेस्ट है। ग्रेट, तो देर किस बात की, अब वेकॉम कंपनी में फोन लगा के पता करते हैं कि कौन सा पेंटेप बेस्ट है हमारी प्रॉब्लम्स को लेके। तो लो, घुमाओ फोन। Hi Shelly, this is Akash from Aegis Quartz. Hello Akash. How are you? I'm fine, thank you. Shelly, I need your help. क्या आप मुझे बता सकती हो कि कोई ऐसा पेंटेप है जो मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाए और लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाए? हाँ, एक डिवाइस अवेलेबल है, Wacom Intios. Wacom Intios, right? Yes. And one more question, इसका बजट क्या है? बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं होता ना ये पेंटेप? No, it's budget friendly. Okay. और इसका मिनी वर्जन का प्राइस अराउंड 8,000 है. Thank you so much for your suggestion. You're welcome. तो कर दे ऑर्डर अब। ऑर्डर डन फ्रॉम Amazon. ऐसे थोड़ी तेरे भाई को कूल डूड बोलते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। डूड, वो तो Amazon से पार्सल आया, वो दियो। यार ये बहुत छोटा नहीं है? छोटा तो हमारा चैनल भी है, पर काम तो हम परफेक्ट करते हैं ना। इसको तो मैंने इसमें लगा दिया, अब ये इस मोबाइल में कैसे लगेगा? मिस्टर कूल, डोंट बी फूल। जब तुम अमेजोन पे ऑर्डर कर रहे थे ना, तो तुम्हें दो चीज़ और ऑर्डर करना थी। पहली चीज़ थी ये OTG कन्वर्टर, जो आपके USB से आपके मोबाइल में जो पोर्ट सपोर्ट करता है, अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड और C-टाइप है तो C-टाइप, और उसके साथ में पढ़ाने के लिए आपको ऐसा कुछ स्टैंड की ज़रूरत भी पड़ेगी। और आईफोन नहीं, ये आईफोन के साथ में अभी काम नहीं करेगा, शायद नियर फ्यूचर कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। डूड, OTG कनेक्ट करने के बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा है। अपने मोबाइल में जाओ, सेटिंग में जाकर सर्च करो OTG और उसे इनेबल कर लो। यार मैं सोच रहा हूँ इस केबल को रिमूव कर दूँ और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ब्लूटूथ से आप अभी इसे सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से आप इसे नहीं कनेक्ट कर सकते। क्या मैं भी ऐसे पढ़ा पाऊंगा? जी हाँ, आपने जो ये क्लिप देखी, ये मैंने मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड करी है। तो चलिए टेक्निकली मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, रिकॉर्डिंग से लेके वीडियो एडिट तक ये सारी चीज़ें मोबाइल से पेंटेप के साथ में कैसे की जाती है। डूड, टेक्निकल पॉइंट वो तू ही कवर कर, मैं आता हूँ। देखिए, मैंने पेंटेप को कनेक्ट किया है वायर से यहाँ पे OTG कन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ पे स्टैंड रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं सिंपली थोड़ा सा टिल्ट होके
क्योंकि मेरा लेंस यहाँ पर है इसलिए मेरी स्पेस मेरा स्पेसिफिक ऐसी है। आप रोहित पीछे से एक बार मेरे सामने आओ तो इनको दिखेगा, आप प्रॉपरली देख पा रहे हो कि मैं कहाँ पर देख के बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देख के बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो ही ये प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे करके यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ये मेरा पेनटैप कनेक्टेड है। अगर ये पेनटैप कनेक्ट होता हमारा सिस्टम से तो ये पूरा एरिया एज अ बोर्ड काम करता, बट यहाँ पर क्योंकि हमारा मोबाइल जो है, ये मोबाइल देखो आप वर्टिकल में रखा है, तो ये कितना काम करेगा, आप एरो देख रहे हो, ये एरो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये इतना एरिया, जो ये इतना एरिया पेनटैप का यूज़फुल है, इतना एरिया यूज़फुल है, राइट। और अब जब मुझे इसको एज अ हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है, देखिए ऐसा यूज़ करना है मुझे, एज अ हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है इसको, क्योंकि हम पढ़ाते हॉरिजॉन्टल ही है ना, तभी तो पूरी स्क्रीन दिखेगी। तो पता क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा पास में आइए, इसको मैं कर दूंगा ऐसा टर्न। नाउ मेरा ये एरिया पूरा इतना, इस डॉट तक एरिया पूरा मेरा टच स्क्रीन काम करेगा। अब मोबाइल को थोड़ा जूम करिए, देखिए इतना एरिया, ये एरिया, और नीचे भी दिखा दो एक बार, नीचे दिखाओ एक बार, ये ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पर ये पेनटैप कैसे वर्क करेगा। आप सभी के पास में ऐसे हेडफोन्स होंगे, राइट, तो आपको क्या करना है, इसे नॉर्मली हेडफोन्स को लगा देना है मोबाइल के अंदर, और इसे आप कान में मत लगाइएगा क्योंकि आपको वॉइस सुनना नहीं होती। इसको आप नॉर्मली कैसे भी करके इसको स्टक कर लीजिए, या फिर आप इसको नॉर्मली टेबल पे भी रख देंगे तो ये आपका यहाँ पर ऐसा काम करेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर करना है, राइट। तो ये आपका काम कर देगा माइक का, या फिर आप बोया का माइक खरीद लीजिए। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको मोबाइल पर मोबाइल की रिकॉर्डिंग, एक साइड पर मोबाइल की रिकॉर्डिंग और एक साइड पर रियलिस्टिक में कैसे पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको और क्लियर होगा। और जो मैं आगे आपको लेक्चर बताने वाला हूँ ना, उस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, ताकि मैं आपको एज अ टीच भी कर सकूँ। चलिए तो अब सीधे हम जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरा एजेड रिकॉर्डर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ स्टार्ट। ठीक है, इसकी कुछ सेटिंग होती है, मैं आपको सेटिंग भी बता देता हूँ। तो आप ये सेटिंग में जब जाएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो रिजोल्यूशन है वो 1080p रखना है, और ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखना है, और जब आप इसको नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कैमरा, और इसको आप कर दीजिएगा इनेबल। और जैसे ही आप एज ए रिकॉर्डर में कैमरा इनेबल करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब इस कैमरे की खासियत क्या है, इसको उठा के यहाँ रखना चाहो यहाँ रख लो, यहाँ उठा के जहाँ भी रखना चाहो रख लो। यूजुअली इसको मैं नीचे रखता हूँ, और इसकी साइज़ को भी आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ से पकड़ के आप इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए अब सारी चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ, पेन टैप से कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, बड़ा छोटा इसको पेन टैप से कर दिया मैंने। ओके, अब मैं बैक करता हूँ, और यहाँ से क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ मेरी रिकॉर्डिंग, अब मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन मेटामोजी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ये है मैंने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना के रखा हुआ था प्रेजेंटेशन। अब इसमें पहला पॉइंट जो है, हाउ टू रिकॉर्ड वीडियो विथ वेबकैम लाइक दिस। अब कैसा वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है, यहाँ से मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउ टू रिकॉर्ड वीडियो विथ वेबकैम लाइक दिस यूजिंग मोबाइल फ़ोन। अब देखिए यहाँ पर कैसा है, ये मेरी पावर पॉइंट बना हुआ है, ये मेरा पावर पॉइंट है, और ये मेरा खुद का फेस, राइट। चलिए सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं, अब सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड स्लाइड जो मेरी है वो, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको मेजर डिवाइस जो इसमें हीरो का रोल प्ले कर रहा है वो है हमारा ये जो है हमारा वेकॉम का पेनटैप। ठीक है, तो इसको आपको बाय कर लेना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे इसकी कॉस्ट क्या है, तो इसकी कॉस्ट देखिए मैं आपको बताऊँ, 6000 से लेके ये 7000-8000 की रेंज में होता है। आप इसकी साइज़ टू साइज़ वेरी करता है इसका, इसके स्मॉल वेरिएंट भी आता है और मीडियम वेरिएंट भी आता है, तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से प्रॉपरली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, यहां पर हमको ये जो केबल होती है ना, ये OTG केबल होती है। अब इसमें क्या होता है, यहां पर लगता है हमारा USB, और यहां से हमारा ये सी टाइप हो गया, और ये जो हमारा हो गया एंड्रॉयड। देखिए मैं आपको लिख लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि डिले है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसा दिखता है, इसलिए ये सब मेरा मोटिव ना एक्चुअल में यही है, एक्चुअल में मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको रियल टाइम दिखा पाऊँ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टैंड, आपको एक स्टैंड लेना है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट मोड दोनों पे टर्न हो जाए ऐसा स्टैंड लेना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, या तो आप बोया माइक यूज़ कर सकते हो, बोया माइक आपको 600 रुपीज़ से लेके 800 तक मिल जाता है, और आपकी खुद की हैंड फ्री, ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि मैंने खुद ने यहाँ पर लगा के रखी हुई है, शानदार सी हैंड फ्री जो मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है और मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको कौन सी जिस एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हो वो एप्लीकेशन है हीरो मेटामोजी।
ठीक है। ये मेटामोजी एप्लीकेशन, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। जिस रिकॉर्डर से मैं कर रहा हूँ वो है मेरा एक्स रिकॉर्डर जो अभी चल रहा है, और दूसरा है मेरा एजेड रिकॉर्डर। मैं आपको दोनों की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं एडिटिंग करने के लिए। आप जब रिकॉर्ड करोगे तो आपको लगेगा किनेमास्टर, राइट। ये किनेमास्टर की भी लिंक मैं आपको दूंगा, और इसका मेरे पास कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो मैं आपको ये कोर्स 300 से 400 रुपीस में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप ये एडिटिंग का कोर्स लेके आप मोबाइल से अच्छे तरीके से एडिटिंग भी कर पाओगे, ठीक है। ये था हमारा ऑल जो आपको बताना था, राइट। अब आप समझ चुके हो कि कैसे वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अभी आप देख सकते हो ये सारी रिकॉर्डिंग जो हमने मोबाइल से करी है कितनी अच्छी और कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल वे में आई है। तो आपको भी इस फॉर्मूले को आजमाना चाहिए, और आपको एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आप ये पेनटेप ले लें। इस पेनटेप की मदद से अब आपकी प्रॉब्लम तो शायद रिजॉल्व हो गई होगी। ब्रो तेरा क्या हुआ? हाँ, मेरी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। ऐसा ना अक्सर क्या होता है, मेरी प्रॉब्लम सारी वही प्रॉब्लम होती है जो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितना ज़्यादा डाउट आप टेक्निकल पर्सन से पूछ सकते हो पूछो। हमारी कोशिश रहती है हर बात का जवाब हम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।